नमस्ते, हैप्पी जन्माष्टमी। आज हम लोग डेकोरेट कर रहे हैं और सजा रहे हैं, और हमें जो है ज़्यादा कुछ सामान नहीं मिल रहा है, लेकिन जो घर में चीज़ें होती हैं उसी से हम आज जो है जन्माष्टमी है वो मनाएंगे। और यहाँ पे देखिए, हमने जो घर में फ्लावर होते हैं उसको लगा दिया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। अच्छी अच्छी जो घर में चीज़ें होती है, कृष्ण राधा जी ये सब लगा रहे हैं। और हमारा झूला, चांस की बात है, खो गया है, मिल नहीं रहा है, इसलिए जुगाड़ से हम लोग झूला बना रहे हैं। सभी लोग लगे हुए हैं इसे बनाने में। और ये हमारा जुगाड़ू वाला झूला जो है तैयार हो गया है। ये घर की जो बास्केट होती है उसी से हम लोग ने इसे जो है यहाँ पे लगा दिया है। और ये फ्रेम है उसका यूज़ किया है। ये देखिए, यहाँ हमने राधा कृष्ण की मूर्ति लगा दी है। साइड में हमने लगाया है ये गोल्डन ट्री जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ये हमने जुगाड़ू झूला लगा रखा है। साइड में भी मूर्ति लगा रखी है राधा कृष्ण की। ये हमारे नटखट बाल गोपाल हैं, उनकी मूर्ति लगाई हुई है। अब ये लड़ी हम साइड में रख देंगे जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लुक आए इसका। और ये जो हमारा झूला था, जो फ्रेम था, इसको हम इस लड़ी से पूरा कवर कर देंगे जिससे कि किसी को पता ही ना चले कि ये हमने फ्रेम से बनाया है। तो ये देखिए, हम इसे साइड साइड से भी कवर कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और इसे देख के कोई बता ही नहीं सकता है कि हमने ये जुगाड़ से बनाया है। कैसा लग रहा है बच्चों? अच्छा। कैसा लग रहा है अन्नी? कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये झूले के साइड साइड से हम दो मोर पंखी लगाएंगे। तो ये हमने दोनों साइड से लगा दिया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखने में। अब हमें लगाना है आसन। आसन के ऊपर हम कृष्ण भगवान को बैठाएंगे। तो ये देखिए, हमारे बाल गोपाल बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। इनको हमने बैठा दिया है। ऊपर से हमने इनको ये पगड़ी पहना दी है। और ये बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, कलरफुल दिख रहा है काफ़ी, और बहुत सुंदर दिख रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी और इतना सुंदर डेकोरेशन हो जाएगा। अब मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ इस वॉल का। तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बहुत ही जल्दी से ये डेकोरेट हो गया है। अब मुझे इसके बाद दूसरी तैयारी करनी है। अब मैं प्रसाद बनाऊंगी। और सबसे पहले हम पंजीरी बना रहे हैं जिसके लिए हमने घी में ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमें मखाने भी थोड़े से रोस्ट करने हैं जिसे हमने रोस्ट कर लिया है। अब उसी कढ़ाई में हमें आटा लेना है जिसे हम गोल्डन कर लेंगे। ऊपर से हमें नारियल भी भून देना है इसी के साथ। जो ड्राई फ्रूट्स हमने भुने थे उसको मिक्स कर देंगे। इसे ठंडा करके शुगर पाउडर मिक्स कर देंगे। अब हमें पंचामृत बनाना है। और ये हमारा पंचामृत रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम बनाएंगे कतली। और कतली देखिए, हमने इसको रख दिया है सेट करके। और ये हमारा भोग जो है तैयार हो चुका है, प्रसाद तैयार हो चुका है। इसके बाद हमें नटखट बाल गोपाल को रेडी करना है, जिनको तैयार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं वो मेकअप करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं, बहुत परेशान करते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक हमने इसे रेडी कर दिया है। थोड़ा सा मुश्किल हुआ इसे तैयार करने में, लेकिन फाइनली ये रेडी हो गए हैं। और अब हमें इनका टीका लगाना है। और ये देखिए, हम इनका टीका लगा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है बच्चों को रेडी करने में क्योंकि बच्चे थक जाते हैं, लेकिन हमने जो है टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैनेज कर रखी है, इसलिए ये काम भी हमारा लगभग हो गया है। हमारे जो बाल गोपाल हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हमारी राधा जी भी रेडी हो रही हैं। ये थोड़ी सी बड़ी हैं तो इनको तैयार करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। और ये भी जो है बिल्कुल रेडी हो गए। ये देखिए, हमारे बाल गोपाल कृष्ण जी और ये हमारी राधा जी हैं, और साथ में एक और कृष्ण जी हैं। तो ये हमारी पूरी जो है फैमिली रेडी हो गई है मेकअप करके। अब हम कृष्ण जी को नहलाएंगे और इनके जो नए कपड़े थे वो हम इन्हें पहनाएंगे और इनका श्रृंगार करेंगे। इसके बाद हमें इनको मुकुट पहनाना है। मुकुट पहनाने के बाद बहुत सुंदर लग रहे हैं, सारे लोग रेडी हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ छोटा सा फंक्शन होगा, सारे लोग इसमें डांस करेंगे। बड़ी बड़ी
अब नन्हे बाल गोपाल को हम झूले में विराजमान करेंगे और पूजा स्टार्ट करेंगे। कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग कान्हा जी को झूला झूला रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं।